नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2022 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, हमें इसमें कौन से नियम निभाने चाहिए, पितरों का तर्पण कैसे किया जाता है, तथा सभी पितृ जो दिन पड़ रहे हैं श्राद्ध, कौन सा श्राद्ध कब करें, आज मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो पितृपक्ष है वो शुरू हो जाते हैं। यमराज सभी आत्माओं को अपने घर इन 16 दिनों के लिए भेजते हैं। वैसे वो एक दिन के लिए भेजते हैं, लेकिन पितरों का एक दिन हमारे 16 दिनों के बराबर होता है। 8 दिन सुबह और 8 दिन होती है रात। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर यह पूरा अमावस्या तक, अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। इन 16 दिनों में ऐसा माना जाता है कि पितर हमारे घर आते हैं और हमें उनका जल देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं और हमें पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। आप रोज़ पितरों के निमित्त कौवों को खाना खिलाए, गौ माता को खाना खिलाए, कुत्तों को खाना खिलाए। पितृपक्ष साल 2022 में 10 सितंबर से प्रारंभ होंगे, जो कि 25 सितंबर को समाप्त होंगे, और 26 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी। इन 16 दिनों में आपको पितरों का रोज तर्पण करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर ले। तांबे के लोटे में गंगा जल, शुद्ध जल, जौ के दानी, अक्षत, तिल और कुशा दक्षिण दिशा की ओर आप मुख करके पितरों को जल अर्पण करें। तो पितृपक्ष में सभी तिथियां मैं को बताने वाला हूँ। 10 सितंबर को है पूर्णिमा का श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध। 11 सितंबर द्वितीय श्राद्ध, 12 सितंबर तृतीय श्राद्ध, 13 सितंबर चतुर्थी श्राद्ध, 14 सितंबर पंचमी श्राद्ध, 15 सितंबर षष्ठी श्राद्ध, 16 सितंबर सप्तमी श्राद्ध, 18 सितंबर अष्टमी श्राद्ध, 19 सितंबर नवमी श्राद्ध। इस दिन सभी माताओं का श्राद्ध किया जाता है। 20 सितंबर दशमी श्राद्ध, 21 सितंबर एकादशी श्राद्ध, 22 सितंबर द्वादशी श्राद्ध, 23 सितंबर त्रयोदशी श्राद्ध, 24 सितंबर चतुर्दशी श्राद्ध, 25 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या। और जिन भी, अगर आपको अपने पितरों का जो उनका स्वर्गवास का दिनांक या तिथि ना पता हो, तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप उनका तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं उनके नाम से, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन बिना जिनका अज्ञात है पितृ, आपको नहीं पता आपके पितृ की जो दिनांक है वो कब है, तो आप उस दिन कर सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हमारे तो पितृ ही नहीं है। तो जी, अगर आपके माता पिता हैं, दादा दादी, नाना नानी सब है, लेकिन उनके माता पिता तो होंगे, पितृ सबके होते, क्योंकि हम पितरों के ही वंशज हैं। पुराणों के अनुसार अगर हम पितर को प्रसन्न नहीं करते तो सभी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं पितर को प्रसन्न करने के बाद ही भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर पितर प्रसन्न नहीं है तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। पितृपक्ष के दौरान ये कुछ सामग्री जो आपको ज़रूर चाहिए पूजा के लिए, तर्पण के लिए, कुशा, चावल, तिल, जौ, ये कुछ सामग्री है जो आपको अवश्य रूप से चाहिए पितरों का तर्पण करने के लिए, और गंगा जल भी ले लें साथ में। पितृपक्ष में कुछ कार्य वर्जित बताए गए हैं, जैसे कि कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं किए जाते, और हमें इन 16 दिनों में नाखून और बालों को भी नहीं काटना चाहिए, और हमें ब्राह्मण को भोजन, जिस दिन भी आपका पितृ का तिथि है, जिन आप ब्राह्मणों का भोजन जरूर करवाएं। तो पितृपक्ष अश्विन मास में आ रहा है, और इस महीने में जो चतुर्मास का व्रत रख रहे हैं वो इस महीने दूध का सेवन नहीं करेंगे। पितृपक्ष में आप विशेषकर पितरों के निमित्त आप भगवद्गीता का भी पाठ कर सकते हैं। भगवद्गीता का 7वां अध्याय जरूर पढ़ें, जो कि मेरे चैनल पर डाला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और भगवद्गीता पढ़ सकते हैं, और उनके निमित्त कोई सभी ग्रंथ पुराण पढ़ सकते हैं, ताकि उसका फल आपके पितर को ही जाए। तो छोटे छोटे मैंने आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से वीडियो में जानकारी दी है। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।